بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. صدق الله العظيم. صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. یہ مضمون میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا اور دوبارہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. پیچھے کچھ کافر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے تھے بلکہ مطالبے کیے تھے جو بہت ہی بیجا تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو کچھ ایسا کیجئے جو ہم سے نہ ہو سکے. مثال کے طور پر آپ کوئی ایک خزانہ بتا دیجئے، کوئی ایک کمرہ ہو جس میں زیورات ہوں، جس کے اندر مال اور دولت ہو، جسے دیکھ کر کے ہمیں لگے ہاں واقعتاً آپ کوئی اونچی شخصیت ہیں. یا پھر آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک باغ آپ ایسا وجود میں لے آئیے جس کے نیچے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں اور اس کے اندر کھجور ہو، اس کے اندر ارم ہو یعنی انگور ہو. یا پھر ایسا کریں آپ، اللہ سے کہیے کہ آسمان کو ہمارے اوپر بطور عذاب کے توڑ توڑ کر کے گرا دے. ان کے جیسے مطالبات تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ نبوت کا دعویٰ تھا یا خدائی کا دعویٰ تھا؟ ظاہر سی بات ہے نبوت کا دعویٰ تھا. اور کسی باپ کو وجود دینا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دینا، یا یہ ہے کہ کسی کمرے کے اندر مال اور دولت بھر کر کے ایک دم جو نابود تھا اس کو بود کرنا، یہ کس کا فعل ہے؟ نبی کا فعل ہے یا خدا کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
कि देखो भाई मैंने अल्लाह का दावा नहीं किया अल्लाह होने का, मैंने तो नबी होने का दावा किया है, और नबी का मकसद है बंदों को अल्लाह से मिलाना। अगर आपको कोई मुतालबा है तो आप रब से कीजिए, ये सारे काम अल्लाह से करवाने के हैं, और अल्लाह इतना बेनियाज और इतना गनी है और इतना माल वाला और इज्जत वाला और सारी चीजों का मालिक है कि अगर उसे आपकी दुआ पसंद आ गई तो वो तमाम काम कर देगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन आपका ये कहना कि नबी हो तो ये काम करो, ये आपके मुतालबे बेजा है और बेसूद है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चीज दरकार थी बीच में, एक और बात थी, वो बात ये थी कि अगर आप रसूल हैं तो ये बताइए आपके अंदर ऐसी क्या खसूसियत है जिसकी वजह से आपको रसूल बनाया गया। उन्होंने ये समझा कि रसूल होने के लिए बशर के अलावा मलाइका मुतय्यन किए जाए। वो ये समझते थे कि आप हमारी औलाद हैं या फिर चचा की औलाद हैं, किसी के मामू की औलाद हैं, तो आप भी हम जैसे ही हैं, लिहाजा आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। जब फर्क नहीं है तो नबी होने के लिए बशर के लिए बशर को भेजा जाए, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारे लिए तो किसी फरिश्ते का इंतजाम किया जाता। अल्लाह ने फरमाया वमा मना अन्नास अन युमिनू, और लोगों को रोक रही है ये बात ईमान लाने से, इद जाअहुमुल हुदा, जिस वक्त के उनके पास हिदायत आई, इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरा रसूला, कि जिस वक्त उनके पास हिदायत आई उनको जिस चीज ने रोका है वो ये है कि उन्होंने कहा अबअसल्लाहु बशरा रसूला, कि अल्लाह ने किसी बशर को रसूल बना दिया, रसूल बना करके भेजा है, तो बशर रसूल नहीं होना चाहिए, यानी कौन होना चाहिए, तो फरिश्ता। अल्लाह फरमाता है कुल लौ कान फिल अर्ध मलाइका, हाँ अगर जमीन में जिन्हें हिदायत हमें देनी है वहां सब फरिश्ते होते तो नबी कौन सा बनाया जाता, फरिश्ता बनाया जाता, लेकिन तुम सब बशर हो। बशर को समझाने के लिए बशर क्या, बशर होना जरूरी है। अगर बशर को समझाने के लिए फरिश्ता भेज देता अल्लाह तो फिर दोनों में मैच नहीं करता। और ये बात यकीनी, एक आदमी, मैं बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको, एक आदमी है जिसके पास जबान, मिसाल के तौर पर कोई कुर्दिश जबान का जानने वाला है, स्पेनिश जानने वाला है, वो आपके हिंदुस्तान में आकर के बयान करता है, उसको नहीं पता उर्दू किसे कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगी उसकी बात, नहीं आएगी, ट्रांसलेटर आपको चाहिए, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अव्वलन जो उनकी मुखातब है अरबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान कौन सी है, अरबी है, कुरान की जबान कौन सी है, अरबी है, अल्लाह ने जन्नत में जबान कौन सी रखी है, अरबी रखी है, तो पहले मुखातब जबान के एतबार से भी जो मुबल्लिग है उसके लिए जो जनता है उस माशरे से उसका ताल्लुक होना जरूरी है, तभी बात अच्छी समझ में आती है। अगर समझने वाले कहीं और के हैं और समझाने वाला कहीं और के हैं, दोनों का मिजाज नहीं मिलता है, कभी समझ ही नहीं पाएंगे, और अगर समझने वाले होंगे तो दो चार होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया देखो हमने नबी को भेजा तुम्हें समझाने के लिए, अब ये बताओ तुम फरिश्ते हो या बशर हो, बशर है तो तुम्हें समझाने के लिए बशर की जरूरत है, क्योंकि अगर अल्लाह किसी और ताकतवर यानी मलाइका को ये सलाहियत देकर के भेज देता कि उन्हें गुस्सा भी आता, उनके पास तो ताकत भी है अल्लाह की दी हुई इंसानों से ज्यादा, अगर कोई इंसान को अबू लहब को समझाता हो और उसकी समझ में नहीं आता तो उसका क्या बनाता, वो उसका चूरा बना करके रख देता, क्यों, इसलिए कि उसकी ताकत भी ज्यादा है, वो इंसानी मिजाज को समझता नहीं है। फरिश्ते के अंदर इंसानी मिजाज को समझने की सलाहियत नहीं है, ये सलाहियत इंसान के अंदर इंसान को समझने की अल्लाह ने रखी है, इसलिए इंसान को समझाने के लिए इंसान का इंतखाब किया गया, बशर का इंतखाब किया गया। अल्लाह फरमाता है लौ कान फिल अर्दी मलाइका, अगर जमीन के अंदर फरिश्ते होते, यमशून मुतमइन्नीन, फिरते वो इत्मीनान के साथ, लनज़लना अलैहिम मिनस समा, तो हम नाजिल करते आसमान से उनके ऊपर मलक और रसूला, एक फरिश्ता रसूल बना करके, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, और अगर अभी भी तुम नहीं मान रहे हो हमारी बात को, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, ए नबी आप फरमा दीजिए कि अल्लाह काफी है हक साबित करने के लिए मेरे और तुम्हारे दरमियान है, कयामत में तुम्हारा मेरा मुकाबला होगा, उस वक्त तुम अल्लाह को दलील देना कि मेरा नबी बनना सही था या गलत था, मैं जो बताता था वो सही था या गलत था,
अब तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने, इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को खूब जानने वाला और खूब देखने वाला है। असल बात यह है तुम्हारे दिल में शैतान बैठा हुआ है, ये तो खामखा की बातें तुमने छेड़ दी कि साहब ये बाग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अगर तू ही ना माने तो बहाने हजार है। जब ना मानने पर आदमी आए, आप 1000 दलील दे दीजिए, कुछ भी नहीं मानेगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, एक बात सुन लो, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पा सकता है। मतलब ये है कि अल्लाह को नाराज ना करो। अगर अल्लाह ने तुम्हारी बेगैरती पर मोहर लगा दी, तुम्हारी जिद पर मोहर लगा दी, तो दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएंगी, तब भी तुम्हें जन्नत का तारुफ नहीं करा सकती और ना तुम मान सकते हो। इसलिए अल्लाह के गजब को दावत मत दो। अगर अल्लाह ने हिदायत के लिए आदमी भेजा है तो उसकी बात सुनो, उसे समझो तुम कहना क्या चाह रहा है आखिर। और अल्लाह फरमाता है वमन युज़लिल फलन तजिद लहू औलिया मिन दूनी, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, रास्ते से हटका दे, हटा दे, फलन तजिद लहू, तो उनके लिए आप नहीं पाएंगे दोस्त अल्लाह के अलावा, यानी कोई ऐसा मददगार उनका नहीं हो सकता है कि वो अल्लाह उसे रास्ते हटाना चाहता हो और कोई आए और पकड़ करके उसे हिदायत पर ले आए। कोई दुनिया में ऐसा नहीं, आखिरत में भी कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब वो हिदायत दे दे तो वो ऐसे मान लीजिए कि जलालत और गुमराही में से निकाल करके हिदायत दे देता है। मैं आपको एक वाक्य बताऊं, ये पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दावत बरकातहू एक मरतबा सफर पर थे और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई एक अंग्रेज से। हजरत ने अपना तजर्बा लिखा, कहने लगे वो जो अंग्रेज था उसने मुझे देखा नशे में था लड़का, बिल्कुल नशे में। उसने देख करके मुझसे कहा कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। हजरत तो एकदम साफा सफेद रहता है और लंबे चौड़े आदमी, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन खूबसूरत लोग तो बहुत सारे होते हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। हजरत कहने लगे हो सकता है कि भाई मेरी पगड़ी वगड़ी इसको पसंद आए। तो हजरत ने उसको फरमाया डू यू लाइक दिस टर्बन और व्हाइट दिस ड्रेस, तुम्हें क्या मेरी ये ड्रेस या मेरी पगड़ी कुछ पसंद आ रही है इस वजह से आप कह रहे हैं? बोले ना नो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, असल बात क्या है, आई एम सीइंग सम लाइट ऑन योर फेस, मुझे आपके चेहरे पर एक अजीब सी रंगत नजर आ रही है, वो कुछ नूर सा नजर आ रहा है। उसे नूर का लफ्ज तो नहीं आता क्योंकि अंग्रेज तो लाइट ही बोलेगा, मुझे कुछ नजर आ रहा है आपके चेहरे पर, बस वो मैं बता नहीं सकता हूं, एक लाइट सी है। हजरत कहने लगे शराब पिए हुए पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो, लेकिन बहरहाल हजरत फरमाने लगे अंदर से मेरी बात आई, क्या अल्लाह ने हो सकता है कि ये मुझे सबब बनाया हो इसकी हिदायत का? अरे भाई ये कोई पहली बात थोड़ी है कि हम अपने आप को गुनाहगार समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह ने फैसला ये कर रखा हो कि भाई आज आप ही के जरिए से इस बंदे को हिदायत देनी है, इसलिए अल्लाह से ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। हजरत ने फरमाया अंदर से बात आई, तो ये भी हो सकता है कि पता नहीं क्या कहना चाहता हूं, इसके दिल में क्या है, मजाक उड़ा रहा, लेकिन ये भी आया, हो सकता है हिदायत का जरिया बन जाए। बहरहाल उसने जब ये बात कही तो हजरत ने फरमाया अच्छा तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो फिर क्या करूं मैं आपके लिए? कहने लगे मुझे कुछ बताइए। पहले उसने कहा लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, पहले मेरे बारे में आप सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने लगे मैंने PSC की है जापान टोक्यो की यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर साइंस में मैंने BSc की हुई है और मैं इस वक्त जॉब पर हूं और इतने लाख रुपए मेरी जॉब है। हजरत कहने लगे फिर कहने लगे आप मुझे कुछ बता दीजिए, जिंदगी में रोजाना पार्टी है, रोजाना नशा है, रोजाना जिना है, जिना की दावतें मुझे मिलती है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं, जिंदगी में सुकून नहीं है। जो मेरे दोस्त जवान यहां बैठे हुए और ये समझते हैं कि अगर पैसा आएगा तो शराब और शबाब में हम अपना वक्त गुजारेंगे तो सुकून मिलेगा, सुकून नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सिर्फ अल्लाह का एक जिक्र ऐसी चीज है जिससे दिलों के अंदर सुकून बैठ सकता है, वरना ना दुनिया का पैसा सुकून दे सकता है ना शराब और शबाब सुकून दे सकता है। हजरत ने फरमाया कि ठीक है, मैंने उसको तौबा कराई, उसको कलिमा पढ़ाया और उसको गुनाहों से बचने का एक तरीका बताया, मुराकबा, कि आप गर्दन को झुका करके अपने रब को याद करेंगे, नमाज का तरीका बताया। कहते 4-6 महीने के बाद मेरे पास फोन आया,
हजरत मैं फना बोल रहा हूँ एयरपोर्ट पे मिला था, बोलिए भाई क्या हाल चाल है आपके। कहने लगे अल्लाह का बड़ा एहसान बड़ा करम है कि सबसे पहली बात तो मेरे रब ने ऐसा निजाम बना दिया है कि मुझसे पांचों टाइम में से किसी टाइम की भी नमाज कजा नहीं। और कहने लगा कि हजरत कभी कभी तो मेरा रब मुझे तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा देता है। अल्लाह और उसने जो असल बात है जो दूसरी बात उसने कही वो ये थी कि लगा हजरत इतने बड़े गुनाहों के समंदर में मैं रहता हूं, जिस जगह है मेरी जॉब जिस जगह पर है गुनाहों का समंदर है, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पर है कल मैं इस गुनाह के समंदर में था तो रोजाना गुनाह की दावत मिलती और मैं गुनाह आसानी से कर लेता, और अब अल्लाह का फजल यह है जब से अल्लाह दिल में आया है इस गुनाह के समंदर में भी कोई एक गुनाह जानबूझकर नहीं होता है। सबसे असल ताज्जुब इस बात पर है। ये ताकत आप कहां से गई लोगों से मना करने की, डीजे में हम नहीं जाएंगे, आपके फला काम में हम नहीं जाएंगे, आपकी शराब वाली मजलिस में हम नहीं जाएंगे। दोस्तों से कहना इतना आसान नहीं है। ये कह देना होली के मौके पर के साहब मैं रंग नहीं लगाऊंगा आपकी होली पर, अरे एक के बस की बात नहीं है। वहां अरशद मदनी साहब का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो एक जगह गए थे बहरहाल, और लोगों ने कहा कि भाई ठीक है होली का मौका है हजरत आपके भी होली लगा दें। बोले भाई बस इतना ही काफी है, मैं आ गया, इससे आगे का मौका नहीं है। जिसको मेरे नबी ने मना फरमा दिया उसको ना करना इसके लिए भी बास हालात में जिगर चाहिए होता है। जब दिल में ईमान होगा दुनिया की हर गुनाहगार से आप लड़ जाएंगे और हर गुनाह से लड़ जाएंगे, और जब दिल के अंदर ही चोर बैठा हुआ होगा तो बड़े सस्ते माल में भी आप अपने ईमान का सौदा करेंगे। अल्लाह पाक ईमान को मजबूती नसीब फरमाए, उसी को अल्लाह कहता है वमन युज़लिल, जिसको अल्लाह राह से हटा दे फलन तजिद लहुम औलिया, तो तुम उनके लिए मददगार और रफीक नहीं पाओगे उसके अलावा। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उमियम वबुकमन वसुम्मा। देखिए बड़ी बड़ी सख्त आयत है। अल्लाह फरमाता है जो गुनाहगार लोग हैं जिनकी अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी वो होली और दिवाली के पीछे लगे हुए हैं, वो सुन लीजिए। फरमाया कि नशेड़ियों को सबको बता दो ये कि अगर तुमने अभी भी अल्लाह की किताब को नहीं समझा तो हम तुम्हें कयामत के दिन जमा करेंगे इस हाल में कि तुम अपने चेहरों के बल अंधे गूंगे बहरे होकर के सीधे जाओगे। एक तो ये गुनाहगार है और नादिम है, अल्लाह गुनाह हो रहा है माफ कर दे, और एक ये है कि उसे सब मौका मिल रहा है, अजान हो रही है, नमाज हो रही है, नमाज के दरमियान से निकल करके जा रहा, तौफीक नहीं कि अल्लाह को मना ले, रब के सामने एक आंसू बहा दे, और धांधली से गुनाह कर रहा है, और जो बड़ा घर का समझा रहा है भाई नमाज भी पढ़ ले, उसको चार छह बुरी बातें और सुना देता है ऊपर से। अल्लाह उनको फरमा रहा है तो इन्हें अब्बा जी को चचा को तो जलील कर सकता है, लेकिन जब कयामत में आएगा तो फरिश्ते तेरे मुंह के बल तुझे जहन्नम में डाले, अंधा बना देंगे। जिन आंखों से तूने बदकारी की थी, जिन कानों से तूने गलत चीजों को सुना था, वसुम्मन और जिस जबान से तूने बड़ों को गालियां बकी थी, अल्लाह उस जबान को ही गुम कर देगा। और सुनो जहन्नम कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, और जब जब भी जहन्नम की आग धीमी होगी अल्लाह फरमाया ज़िदनाहुम सईरा, हम उसको और भड़का देंगे, ताकि इस बंदे की खाल में जब जब भी सुपड़ाहट आए, जब जब भी इसकी खाल उतर जाए तो फौरन दूसरी खाल आ जावे और उसके बाद जहन्नम की आग उसको भी झुलसा देंगे।